फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड दो दिन से व्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि दो तीन दिन का कोटा मैंने पहले ही पूरा कर लिया था। पर हाँ, दो दिन मैंने व्लॉग नहीं डाले थे, तो जो व्लॉग नहीं डाले थे और मैंने बनाए भी थे, तो वो मैं अभी धीरे धीरे मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। और अगर किसी ने चेक नहीं किया है तो जाके चेक कर लो, लाइक करो, कॉमेंट करो, एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और ये हो रहा था कि सबको व्लॉग्स में ये चाहिए था कि उनके साथ व्लॉग्स बनाओ, तो वो अभी इतना कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं व्लॉग, क्योंकि अभी कैमरा फेस करना बिल्कुल एक टास्क के बराबर है उनके लिए। एंड जाहिर सी बात है, मेरे लिए भी डेली व्लॉगिंग एक टास्क ही है। मतलब अगर डेली व्लॉगिंग पे बात आती है तो रोज़ सुबह उठ के ये सोचना पड़ता है कि आज व्लॉग में क्या होगा, आज क्या होगा, क्योंकि सेम चीज़ें नहीं कर सकते, उससे तो सब लोग बोर हो जाते हैं और मैं भी हो जाती हूँ। मैं खुद अगर सेम चीज़ें करूँगी तो मैं खुद बोर हो जाऊँगी, देखने वाला तो होना ही है। तो ये होता है कि कभी मैं क्राफ्ट्स बना रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो चीज़ें हैं जो कंटिन्यू हो पा रही है। और उनके साथ व्लॉग करने की बात हुई तो थोड़ा बहुत ऐसा है कि मैं उनको कुछ कुछ क्लिप्स में ले सकती हूँ। बाकी अगर आप चाहते हो कि वो कन्फ्रंट करें, ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि वो भी लाइक जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे बोले, तो ऐसा कुछ दिन तो आप भूल जाओ, मतलब टाइम लगेगा। हाँ, मे भी ऐसा होगा, पर बहुत टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मुझे तो थोड़ा थोड़ा कैमरा फेस करने की आदत है, 3-4 साल हो गए हैं कि मतलब मैं काफ़ी फ़ोटोज़ ले लेती हूँ, वीडियोज़ बना लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत होता है ना कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अगर कोई इंसान जो कि फ़ोटो ही नहीं लेता है और सडनली उसको व्लॉगिंग में मैं डालूँगी, तो नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है। तो हाँ, बट ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी मैं क्लिप्स में ले लेती हूँ, तो ठीक है, एक बार के लिए ठीक है, बाकी के लिए अभी बाद में देखेंगे। एंड डेली व्लॉगिंग करना तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है। मतलब लोगों को भी लगता है इजी है, सब मुझे भी लगता है कभी कभी, तो जब मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सो मैं भी ये सोचती हूँ कि ये बहुत इजी है, ठीक है, हो पा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मतलब मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन मैं फिर भी डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है। और कभी कभी तो इतना कन्फ्यूज रहती हूँ, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद भी, कि भी करूँ तो कौन सा करूँ, कौन सा जल्दी होगा, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो डेली व्लॉगिंग तो बहुत बड़ा टास्क है अपने हिसाब से ही। सो यस, मुझसे जितना कंटिन्यू होगा मैं कंटिन्यू करूँगी, और एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको स्किप करूँ। हाँ, बीच में 2 दिन स्किप हो गया था, क्योंकि वो आए थे तो 2-3 दिन के लिए आते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कभी मान लो उनके लिए हम लोग काम बचा के रखते हैं, ठीक है। तो हाँ, ऐसा है कि कभी कभी 1-2 दिन मेरा जो है स्किप हो जाता है, अदरवाइज यहाँ होने के बाद तो, मतलब जयपुर में हूँ तो फिर भी वहाँ होने के बाद तो स्किप होना ही है मेरा व्लॉग, बट अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरा कंटिन्यू हो पाता है। और उस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश भी हूँ कि चलो यहाँ कंटिन्यू हो रही है वो चीज़ें, और मैं कर भी लेती हूँ, और यहाँ ना तो ज़्यादा काम होता है, और अगर काम भी करूँ तो मैं उसको कंटिन्यू करती रहती हूँ, क्योंकि इतना डिस्टर्ब नहीं होता है बिल्कुल भी। तो हाँ, जितना होगा मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी, प्लस बहुत सारे नई नई चीज़ें भी बनाऊँगी। सो यस, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सारा काम फिनिश करने के बाद अभी दोपहर में टाइम पास नहीं होता है, और बहुत सारे दिन हो गए मैंने रील्स नहीं बनाई, मतलब मेरे पास बहुत सारा ड्राफ्ट में था, पर मुझसे गलती से सारा ड्राफ्ट क्लियर हो गया वो, सो अभी मुझे वापस बनानी पड़ेंगी। तो मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं, अपलोड करने के लिए भी अभी कुछ नहीं है, हैं कुछ पर वो सारा कुछ मैं से मिलर नहीं रखना चाहती। सो यस, मुझे थोड़ी सी रील्स बनानी है, और नॉर्मल मतलब मेकअप, नो मेकअप रखते हुए बहुत टाइम हो गया, ठीक है, अभी थोड़ा सा हैवी मेकअप करना है मैंने तो। और मुझे लैशेस ना बहुत अच्छी लगती है, आई लैशेस तो, मतलब थोड़ा सा हैवी मेकअप होता है ना, तो मतलब मन करता है कि लैशेस तो लगानी ही है। मुझे इतने दिन से ये हो रहा था कि मैं लैशेस लगा पाऊँ, काफ़ी दिन हो गए तो मैं लैशेस लगा पाऊँ, ऐसा क्या करूँ।
फिर मुझे याद आया कि रील्स बना लेती हूँ, इससे अच्छा और रील्स बनाने से याद आया फिर थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट वेट अगर आप नो मेकअप मेकअप लुक करते हो उसमें तो लैशेस लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो अलग ही दिखेंगे। अगर आप आईलाइनर कैरी कर रहे हो, ठीक है, तो तब आप आईलैशेस को यूज़ कर सकते हो, तो वो एक अगर आईलाइनर यूज़ कर रहे हो ना तो वो अच्छा लुक देंगी। सो यस, मैं थोड़ा सा ज़्यादा हैवी नहीं पर थोड़ा सा मेकअप करूँगी और काफ़ी सारी रील्स बनाऊँगी। तो यस, मैं मेकअप ऑफलाइन नहीं करूँगी, मतलब वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ही करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप करने का फर्स्ट रूल रूल नहीं, मतलब कि अगर आपके बाल खुले हैं या इधर उधर बिखर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, तो आप उन्हें टाई कर लो, या तो आप बन बना लो या फिर आप पोनी बना लो। तो मैं बन नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो चुभता है बहुत, और अभी मैं पोनी बनाऊंगी, पोनी बना के देन मेकअप करूंगी। वैसे तो मैंने फेस मॉइस्चराइज कर लिया है पर थोड़ा सा कम किया था, और इसमें थोड़ा सा अच्छे से मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी। और अभी मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी आर्या का, और ये ज़रूरी होता है कि अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हो, ठीक है, तो आप प्राइमर ज़रूर अप्लाई करो। मतलब आप बीबी क्रीम लगा रहे हो तब भी आपको, अगर मैं तो यही कहूँगी कि करना चाहिए, पर कुछ लोग कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये वो मेकअप से, ये मतलब पहले मुझे भी लगता था, पर वो क्यों लगता था, क्योंकि हम मेकअप करके या फिर हमने थोड़ा बहुत अगर बीबी क्रीम भी लगाई है और हम लोग रात को ऐसे ही सो जाते हैं बिना फेस वॉश किए, तो पिंपल उठता है, अदरवाइज पिंपल नहीं होते हैं। अब बाकी अगर किसी के खूब सारे पिंपल हो रखे हैं, फिर अगर आप लिपापोती कर रहे हो तो वो तो होने ही हैं। तो अगर आपको अच्छी क्लियर स्किन चाहिए, मतलब मेरी वैसे क्लियर ही है, थोड़ी सी क्या होता है कभी कभी ऑयली हो जाती है, बाकी ऐसे पिंपल वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं मेकअप लगा के तो कभी नहीं सोती। तो यस, प्राइमर, और इसको हम मतलब अच्छे से मसाज करें। और ये बहुत ही पता नहीं क्यों मेकअप में सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे प्राइमरी लगता है, कितना सॉफ्ट होता है। और गर्दन पर अप्लाई करना तो कभी भी ना भूलें, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका चेहरा और आपकी गर्दन एकदम बराबर दिखे, आपका फेस ऐसा ना लगे कि पता नहीं कितना मेकअप होता क्या ये, तो प्लीज़ गर्दन पर भी कवर ज़रूर करें। सो यस, प्राइम। सो कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी ला गर्ल प्रो कंसील, और ये ऑरेंज शेड में है, और क्योंकि मुझे वो फाउंडेशन जैसा शेड बिल्कुल नहीं चाहिए, वो न्यूड शेड वाला, तो ये ऑरेंज शेड में मैं लूँगी। और ये बेसिकली होता है कि अगर आपके कहीं पर भी डार्क स्पॉट्स है, ठीक है, या कहीं पर भी ऐसा लगता है आपको कि वो स्किन जो है वो कलर कहीं पर छाया है, कहीं पर धूप है, तो ये बेस्ट रहता है अगर आप अंडर आइज आप कवर करो। मेरे डार्क सर्कल है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है, और कहीं कहीं पर जैसे होते हैं ये देखो, तो यहाँ मैं अप्लाई करूँगी, देन उसके बाद फाउंडेशन यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगाऊँगी तो ये अलग से मतलब खुरदरा खुरदरा सा एकदम नज़र आएगा, अलग ही उसका जो है कलर दिखेगा। कि अगर आपको फाउंडेशन कवरेज जो है वो थोड़ा सा कम रखना है, मतलब कि आप फाउंडेशन बहुत लाइट यूज़ कर रहे हो, तो ये अलग से दिखेगा, उसके लिए तो बेस्ट है आप कंसीलर का यूज़ करो, और कलर करेक्टर भी बोलते हैं उसको। सो अभी मैं फाउंडेशन के लिए कलर स्क्रीन का फाउंडेशन यूज़ करूँगी, हाई कवरेज इन दी शेड 102। और ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए बेस्ट है,
तो क्योंकि मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है, कभी ड्राई होती है कभी ऑयली होती है, और कवरेज इसकी इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल इक्वली जो है वो फेस पर अप्लाई होता है। और मैं ब्लेंडर अवॉइड करती हूँ क्योंकि कितना भी उसको पानी में डिप करके उसको मतलब अच्छे से निचोड़ के आप फिर लगाओ, लेकिन वो फिर भी बराबर नहीं हो पाता है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाता है वो। तो मैं फिंगर्स की हेल्प से उसको जो है पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। तो मुझे ना अपने चीक्स थोड़े से उभरे हुए दिखाने हैं, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, फाउंडेशन की एक लेयर एक्स्ट्रा अपने चीक्स पर लगा लेती हूँ और टैप टैप करके। सो आई एम डन विद माई फाउंडेशन अभी। सो यस, अभी मैंने फाउंडेशन यूज़ कर लिया है और अभी मैं उसको पूरा मतलब कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी। तो लूज़ पाउडर तो नहीं है मेरे पास, और मैं जो कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है ऑयल कंट्रोल सीकन सॉफ्ट ग्लैम 21। ये भी मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो जो है ऐसा मैं मतलब हंसते हैं मुस्कराते हैं तो ऐसे लाइन्स बनने लग जाती है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैं मेरा फाउंडेशन कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी। इसको मैं हमेशा ऐसे ही यूज़ करती हूँ मोड़ के, पता नहीं क्यों मुझे डर रहता है कि पूरा जब ऐसे यूज़ करूँगी तो जहाँ मुझे नहीं लगाना है वो वहाँ भी एक्स्ट्रा लग जाएगा। पर ठीक है, आप अपनी इच्छा से जो है उसको ट्राई करो जैसे आपको ट्राई करना है, पर मेरा तो यही तरीका है। डिफरेंस आप देख सकते हो इस तरफ जो है वो एकदम परफेक्ट ऐसा सेट हुआ, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा ऑयली भी नहीं लग रहा है, तो ऐसा इक्वल सा लग रहा है। इधर देख रहे हो आप कहीं धूप है कहीं छाया है। सो यस, बेस हमारा डन हो चुका है और अब मैं करूंगी आई मेकअप। और आई मेकअप मैं ज़्यादा हैवी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी आंखों पर ना बहुत सारी लाइन्स बन जाती है, तो अगर कोई परफेक्ट होता है जो कि आई मेकअप में एकदम परफेक्ट है वो ही कर सकता है, अदरवाइज उनको भी प्रॉब्लम होती है। सो यस, अभी इस ड्रेस के साथ कौन सा शेड, मतलब मुझे रेगुलर में तो वो जो ब्राउन चाहिए ही होता है क्योंकि पता नहीं क्यों वो बहुत ही अलग सा लुक देता है वो, मतलब आप कोई सा भी कलर डालो पर ब्राउन अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ से लगा दो तो एक्स्ट्रा में वो बहुत अच्छा सा परफेक्ट मैच होता है, वो बहुत अच्छे से सेट होता है। सो यस, मैं कॉन्टोरिंग ब्लश और हाईलाइट ये सब बाद में करूँगी, उससे पहले मैं यूज़ करूँगी ब्राउन कलर। तो जो आई शेडो पैलेट मेरे पास है वो है द फैशन फैक्ट्री, और इसमें 36 आई शेडो है एंड 5 ब्लशर है, और ये प्रोफेशनल पैलेट है। तो इसमें मतलब मुझे ना जब मैं परचेज करने गई थी आई शेडो पैलेट, पता नहीं मुझे क्यों इतना येलो कलर और वो जो नियॉन में आते हैं कलर्स, मुझे पता नहीं क्यों वो था कि मुझे खरीदनी है तो वैसे ही खरीदनी है, पर सारे कलर्स नहीं आते हैं अगर, और पर वो मुझे एक ही पैलेट में चाहिए थे बजट फ्रेंडली। सो यस, जब मैं लेने गई तो वो सब तो नहीं मिला, पर हाँ इसमें 36 कलर्स हैं और ये जो है 5 जो है ये ब्लश वाले शेड हैं। सो यस, पहले मैं अप्लाई करूँगी ब्राउन, और मिरर फ़ोन में चाहे कितना भी देख लो पर मिरर में दिखे बिना नहीं होगा मुझसे। मेरा मन कर रहा है काफ़ी दिन से थोड़ा सा पिंक शेड अप्लाई करूँ, तो पिंक भी थोड़ा सा लगा लेते हैं, मतलब थोड़ा सा पिंक भी इसमें मतलब बहुत सारे हैं, कौन सा अप्लाई करूँ ये भी एक कन्फ्यूजन है। पिंक नहीं, मैं कुछ और लेती हूँ। वाह, ये बहुत प्यारा लग रहा है।
ज्यादा परफेक्ट तो मुझे नहीं आता है, पर इतना है कि काम चलाओ कर लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब ये कलर उभर के तब आते हैं अगर आप आंखों पर भी थोड़ा सा जो है कंसीलर अप्लाई करो लाइट शेड वाला, पर मैंने वो नहीं किया क्योंकि वो लाइन्स ऑलरेडी बन जाती है तो मेरे लिए मुझे वो बेस्ट नहीं लगता। सो दोनों आंखों पर मैंने बराबर अप्लाई कर लिया है और अभी मुझे थोड़ा सा मुझे येलो लेना है, पर येलो है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा सा शाइनी मैं दूंगी और रोज गोल्ड ये रहता है कि अप्लाई करूँ कि ना करूँ, पता नहीं कैसा लगेगा। ठीक है अप्लाई कर लेता है, मैं ऑल ओवर अप्लाई नहीं करूंगी, बिल्कुल मिडल में अप्लाई करूंगी और उसको टैप टैप करके ही अप्लाई करना है, अदरवाइज ये पूरा मतलब फैल जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही मतलब वाओ नाइस। अभी सेम नाइस आंख पर भी अप्लाई करूंगी। सो ये इक्वली मैंने अप्लाई कर लिया है, अभी इसमें नहीं दिख रहा, जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रही थी उसमें सारे कलर्स जो है वो एकदम सही से आ रहे थे, पर इसमें थोड़ा सा मेरा ये जो फोन का कैमरा है थोड़ा सा ब्लर है तो बिल्कुल वो सही नहीं आ रहा है, पर आज मैं उसका स्टोरेज जो है पूरा खाली करूंगी तब जाके अच्छे से वीडियो जो है रिकॉर्ड होंगे। तो अभी मुझे आईलाइनर लगाना है। सो दो तीन वीडियोज आपको उस फोन की देखने को मिली, पर वापस मैंने इसी फोन को जो है थोड़ा सा स्पेस खाली करके मैंने यूज कर लिया है और अभी मैं इसी से करूंगी क्योंकि उसमें शेडिंग में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। सो ये रोज गोल्ड में मैंने दोनों आंखों पर अप्लाई कर लिया है, अभी मैं लगाऊंगी आईलाइनर, तो वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी फिर से स्टोरेज प्रॉब्लम आ जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट किया। सो आईलाइनर के लिए मैं लैक्मे का आईलाइनर यूज करने वाली हूँ, वाटरप्रूफ, और मुझे विंग आईलाइनर बहुत पसंद है तो मैं वही अप्लाई करूंगी। तो आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है, परफेक्ट तो शायद ये नहीं है पर ठीक है, जितना हुआ मैंने इसको इक्वल किया है। और मैं इनर कॉर्नर्स को जो है हाईलाइट ज्यादा मतलब हर मेकअप में करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है, एक तो इनर कॉर्नर्स और एक आईब्रो के जस्ट यहाँ पर, तो वो जो हाईलाइट होते हैं ना, आप चीक्स को भी इतना हाईलाइट नहीं करो ना तो एक बार के लिए मेरे लिए तो चल जाएगा, पर यहाँ हाईलाइट ना करो, अगर इनर कॉर्नर्स हाईलाइट ना करूँ मुझे वो नहीं चलता है। सो अभी सो आई मेकअप मेरा डन हो चुका है, अभी मैं आईब्रोज अपने फिल करूँगी ये ब्राउन पेंसिल के साथ। तो अभी मैं इनर कॉर्नर्स हाईलाइट करूँगी एंड आईब्रोज के नीचे भी मैं ये जो है कॉर्नर है ये हाईलाइट करूँगी, ये बहुत अच्छा लुक आता है। ये थोड़ा सा शाइनी रहता है। सो अभी मैं अपनी लोअर लैशेस पर अप्लाई करूंगी काजल थोड़ा सा बाहर की तरफ।
तो मैं अप्लाई नहीं करूँगी। सो काजल मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, और काजल मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का। अभी मैं आईलैशेस अप्लाई करूँगी, पर उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा गोंद लगा लूँगी और कुछ सेकंड्स तक उसको सूखने दूँगी। मतलब पूरा नहीं सुखाना है उसको, थोड़ा सा सुखाना है। और ये जो लैश ग्लू हमने लिया है, ये हुडा ब्यूटी, वन ऑफ माय फेवरेट, तो मैं इस पर ग्लू लगाऊंगी और थोड़ी देर के लिए उसको ड्राई होने दूंगी। पूरा ड्राई नहीं करना है। तो ये लैशेस को मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, मतलब दो तीन बार तो यूज़ आ ही जाती है। ये जो लाइन है इस पर ज़्यादा नहीं, पर हल्का हल्का कुछ सेकंड्स के लिए ये सूखती है, जब तक एक जो है थोड़ा सा ड्राई हो चुकी है। आप चाहो तो इस चिमटी की हेल्प से भी लगा सकते हो, पर मुझे तो आदत है तो मैं लगा लेती हूँ। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ से निकल जाती है मेरी लैशेस, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा आंसू आ जाते हैं, उस वजह से जो ग्लू है वो काम का नहीं रहता। सो मैं अपने फिंगर से अप्लाई करने वाली हूँ लैशेस, क्योंकि चिमटी से तो मुझसे नहीं लगती, पता नहीं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पहले सेंटर पार्ट पर लगाओ उसको, देन आप कॉर्नर सेट करो। चिमटी तो लगानी ही पड़ेगी थोड़ी सी। सो फाइनली ये सेट हो चुकी है अभी। सो आईलैशेस मैंने दोनों आंखों पर अप्लाई कर ली है। ध्यान रखें यहाँ पर चिपके ना, क्योंकि चिपक बहुत जल्दी जाती है यहाँ पर। पर अभी मैंने अप्लाई कर लिया है, और ये होता है कि आईलैशेस लगाने के बाद ना थोड़ा सा वो अलग से दिखने लग जाता है, तो आईलैशेस के ऊपर भी मैं आईलाइनर लगाऊंगी, ताकि वो पूरा परफेक्ट जो है वो मैच हो जाए। सो हमने कंटूर नहीं किया था अभी, मैं थोड़ा सा कंटूर अप्लाई करूंगी, मतलब ताकि बिल्कुल ऐसे अलग तो बिल्कुल ना लगे हमारा फेस। और अभी मैं ब्लश अप्लाई करूँगी, वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत थोड़ा सा लूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आता है। लगता है कि आपका ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, जैसा मेरा भी हो गया है, तो उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से सेट कर लें। सो यस, अभी ओवर नहीं लग रहा है मुझे, करूँगी हाईलाइट उसी सेम ब्रश से। और जब भी आप हाईलाइट करो ना, यहाँ तक उसको लेके जाओ, ताकि जब आप हंसो तो एक अच्छा मतलब लुक क्रिएट करें। अपनी नोज पे, और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी बिलोरा पेरिस स्मच प्रूफ लिक्विड लिपस्टिक। ये मैट है और ये स्मच प्रूफ है, मतलब अगर आप, कभी कभी होता है ना, हम कितनी भी मैट लिपस्टिक्स ट्राई कर लें, पर जब भी हम कुछ ऑयली खाते हैं तो यहाँ यहाँ से ना वो पूरा ख़त्म सी हो जाती है, ऐसे किनारी सी बन जाती है फिर। सो ये कोलेब्रेशन में मुझे मिली थी, और मैं तो 100% इससे सेटिस्फाई हूँ। मतलब एक दिन मैंने इसको यूज़ किया, और फिर मैं बाहर कहीं खाने पर गई थी, तो मैंने देखा हम लोगों ने दो तीन जगह खाना खाया था, तो मतलब ये बिल्कुल नहीं हटी। खाना ऑयली होता है फिर भी नहीं हटी, तो ये इससे मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, पीच कलर है, शेड 18 लव किस, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मैं कितने दिन से इस लिपस्टिक को ट्राई करना सोच रही थी, पर एक होता है ना कि परफेक्ट लुक होता है उसके साथ, परफेक्ट शेड बहुत अच्छा लगता है। सो इस जो लुक के साथ है ना, ये शेड बहुत सही जा रहा है अभी तक, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो यस, और अभी हम पूरा मेकअप मतलब डन हो चुका है, जो चीज़ रह गई है वो है मश्कारा। तो मश्कारा मैं अपनी लोअर लैशेज पर अप्लाई करके, देन बिंदी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, बस तो वो हम लगाते हैं।
पहले मस्कारा लगा लेती हूँ, और मस्कारा भी मैंने स्विस ब्यूटी का मैं यूज़ कर रही हूँ। ओ भाई अभी मैं लगा रही हूँ बिंदी। बालों को मैं कर्ल करने का सोच रही थी पर इतना टाइम नहीं है, मतलब 2 बज गए, फिर 4 बजे वापस काम पे लगना होता है। सो देखूँगी अगर मुझे लगा कि थोड़ा बहुत टाइम है। सो यस इट्स डन। और अभी मैं अपनी ज्वेलरी पता नहीं थोड़ी सी पहनूँगी और फिर मैं वीडियोस बनाऊँगी, फाइनल लुक मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो यस मेकअप डन हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। आई नो इस मेकअप के लिए कोई हैवी सी पोशाक होनी चाहिए थी पर इतनी गर्मी में वो कंफर्टेबल मुझे नहीं लगा। सो बस जो था यही था। और आई नो नथ भी इसके साथ इतना परफेक्ट नहीं जा रही है बट थोड़ा सा मुझे कुछ अलग ट्राई करना था क्योंकि इस टाइप की नथ भी मैंने कभी नहीं पहनी है। मांग टिक भी मैंने पहली बार ट्राई किया है और ये जो मेकअप लुक है ये भी मैंने पहली बार ही ट्राई किया है। पर आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये आई मेकअप लुक। ऊपर से ये जो थोड़ा सा शाइन कर रहा है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो यस आगे भी मैं ऐसी मेकअप वीडियोज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा प्लस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो nikita_jodha20। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। एंड थोड़ी बहुत मुझे रील्स बनानी है क्योंकि मेरा फ़ोन भी डेड होने वाला है तो मैं फटाफट काम करके मैंने बनाई आलू की सब्जी और पूरी क्योंकि आज मैंने एक रेसिपी देखी थी। रेसिपी क्या देखी, मैंने कोई फ़ोटो देखी थी पाव भाजी की तो मतलब वो जो स्पाइसी वाला टच है वो मुझे भी चाहिए था, मुझे भी खाना था पर पाव तो मैं कहाँ से लाऊं। सो इसलिए मैंने सोचा आलू की सब्जी बना लेती हूँ, पूरी बना लेती हूँ और मैंने अभी बना तो गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी बिना प्याज के तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब आलू की सब्जी अगर खाओ तो प्याज के बिना तो कोई मतलब ही नहीं और छाछ तो मतलब 4 चांद ही लगा देती है खाने पे। मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट है ये। सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये मेकअप वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ पर हाँ ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो अगर आपको आगे भी कुछ ऐसी सेम वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर मेकअप वीडियो अच्छा लगा हो, लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें और अगर कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करें या फिर DM करें। और हाँ मुझे आज का लुक मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, हालांकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था पर मुझे अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि आगे उसको मैं कंटिन्यू करूँ और थोड़ा कंटिन्यू करते करते प्रो हो ही जाऊँ। सो यस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।